हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोरफो डिवाइस एंड मंत्रा। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मंत्रा और मोरफो डिवाइस के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर और किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा डिवाइस ज्यादा बेटर है। मंत्रा का MFS 100, तो दोस्तों इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों मंत्रा का जो डिवाइस है, दोस्तों मोरफो का डिवाइस काफी कॉम्पैक्ट है, छोटा है, जबकि मंत्रा डिवाइस जो है वो मोरफो के बनिस्पत काफी बड़ा है, आप महसूस कर सकते हो। दूसरा जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी इससे लो है, मतलब ये गिरने पर टूट सकता है लेकिन ये टूटने की संभावना कम है। ये तो ही इसकी बात कि इसमें मंत्रा से क्या बेहतर है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है और ये टूटने का, मतलब कि ये कॉम्पैक्ट है, काफी इजीली है, पॉकेट में कैरी कर किया जा सकता है। अब आते हैं इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है, तो बार बार अलग अलग वर्क के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके सर्वर, इसके सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसमें सिंगल इंस्टॉलेशन है, आपको कोई सर्विस चेंज नहीं करनी है, सेम सर्विस से आप इसे एक बार रिस्टार्ट कर देंगे और हर सर्विस के लिए ये काम आएगा। मीन्स अभी तक जो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, बार बार कॉन्फ़िगरेशंस चेंज नहीं करने हैं। जनरली इसके वायर, मोरफो के जो वायर है ये काफी पतली होती है और कई बार ये कट जाती है अंदर से, यानी कि इसकी वायर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जबकि इसकी वायर जो है मंत्रा की जो वायर है ये इससे मोरफो से काफी बेहतर है। तो कुल मिला के आप अगर पोर्टेबिलिटी चाहते हैं, बार बार दूसरे जगह पर यूज करना चाहते हैं, कहीं कहीं कैरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मोरफो बेहतर है। लेकिन अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं और हर बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ रहा है और कैरी नहीं करना है, तो आपके लिए मंत्रा डिवाइस बेस्ट है। तो दोस्तों आज हमने बात की मंत्रा और मोरफो डिवाइस के बारे में, तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।